ओहो दगड़ियो, गुड मॉर्निंग। पहला कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो दगड़ियो, एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैंने आज का लॉग भी स्टार्ट कर ही दिया है। ये तो आज का लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह के 7:30 बजे से। तो और दिन के मुकाबले दगड़ियो आज का लॉग मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे को जाना है स्कूल। तो आज 31st है, तो 31st से आज यानी कि मंडे भी है, तो आज से मेरे को स्कूल जाना है। तो 10th, 11th, 12th वालों को जाना है बस मात्र स्कूल, बाकी 9th तक की छुट्टियां हैं। तो वैशाली की तो छुट्टी है, वैशाली अंदर कमरे में, बाकी अम्मा यहाँ ला गई सगड़ देखो। अच्छा, तो एक बार पहले जला दिया बेल, अब वो बंद हो गया, फिर से जलाई गया अम्मा। और बाकी नीचे पहाड़ी गीजर में रख रखे हैं गर्म पानी, तो अभी हो जाते हैं, तो थोड़ी देर में मेरे को नहाना भी है, अभी नहा के जाऊँगा मैं। और मम्मी क्या कर रही है यहाँ? ये तो मम्मी ने आटा गूंथ दिया है, बाकी अभी रोटियां बनाएगी और अभी चूल्हे में दूध उबालने के लिए रख रखा है। बाकी आज का मौसम भी काफी सुहावना है, आसमान साफ हो रखा है और अभी फिलहाल सामने सबको के डान में हल्की फुल्की धूप आई गई है। तो पहाड़ी गीजर में भी मेल ने गर्म पानी हो ही गया, फिर चढ़कन हो गया है। तो अब मैं चलिए फिर पहले फ्रेश हो जाता हूँ। ये तो हो गया हूँ मैं स्कूल के लिए रेडी, ये देखो। तो अब मैं रेडी हो गया हूँ, नाश्ता वास्ता मैंने कर लिया है। तो अब मैं जाता हूँ दगड़िया स्कूल को। आज काफ़ी लंबी दिनों की छुट्टियों के बाद आज फर्स्ट दिन है स्कूल का, तो लेट नहीं होना चाहता हूँ मैं। तो अब मैं स्कूल जाता हूँ। बाकी जो धूप है देखो, अब हमारे नज़दीकी डनकानों में आ गई है। अभी थोड़ी देर पहले तक सबको के डन में आ रही थी, लेकिन अब यहाँ देखो पीछे साइड आ गई है ऊपर ऊपर। अभी गांव में आने में थोड़ा और टाइम है, बाकी स्कूल से आने के बाद देखते हैं फिर क्या क्या होता है, फिर वो बाद में पता चलेगा। तो अभी तो फिलहाल मैं स्कूल को जाता हूँ, तो तब तक के लिए बाय बाय। तो फिर से मैं हाजिर हो चुका हूँ दगड़ियों आपके सामने। तो स्कूल से मैं आ गया हूँ, अभी खाना वाना मैंने नहीं खा रखा है, बस आते ही छत में आ गया हूँ मैं कपड़े बदल कर। अभी फिलहाल धूप सेक रहा हूँ, धूप भी है ही है। तो अभी बज गए हैं 3:30 और व्लॉग बनाना मैंने फिर से शुरू कर दिया है। तो अभी फिलहाल मैं पहले नीचे जाके खाना खाता हूँ, और बाकी वैशाली भी यहीं बैठ रखी है देखो ना, और यहाँ देखो दो नींबू के दाने भी रख रखे हैं, वाह। अभी थोड़ी देर में खाएंगे अगर धूप रहेगी तो। पहले खाना खा लेता हूँ, यहाँ दो नींबू के दाने भी है, फिर नूना तकड़ खून ये देखो यो। रोटियाँ ही बना रखी है, बाकी सब्जी भी है। तो पहले खाना खाता हूँ फिर देखते हैं। थैंक यू के हूँ पे आप खाया लो खाने में। और वैशाली ने यहाँ छिल दिया नींबू, ये एक नींबू छिल दिया, ये दूसरा नींबू छिल रही है, बाकी नमक भी है यहाँ। ये खट कस रहा ना, बढ़िया तो रहा ने। खट्टा खट्टे खाया वैशाली पूरे एक का बार में, आधू वैशाली ले ए पीस, आधू ए बार में खाया, आधू ए बार में यो मेरी असच हुआ जो। तो यहाँ दगड़ियों मैं आ गया हूँ छना मोह पर, मम्मी यहाँ किसी से कॉल में भी बात कर ही रही है ये। तो मम्मी के साथ मैं यहाँ धूप सेकने के लिए आ गया हूँ, और मम्मी की यहाँ तैयारी हो गई है घाई जाने के लिए दगड़ियों। तो मम्मी दातुला और एक बदौ भी ला रही है अपने साथ ये घास लाने के लिए। तो अब मम्मी जा रही है घास लेने के लिए, जाओ पर बाय बाय पहला। चलो मम्मी भी चले गई फिर घास लेने के लिए, और रुक जा बुढ़न मैं उठाता हूँ तुम्हें, बुढ़न को आ जा। उठी ना लेने खुद जाम हैगी के, जाम हैगी। अरे अच्छा क्या करूँ फिर, जाम हो गया। अच्छा यो यहाँ ताई जी भी आप रेडी हो चुकी है घास लाने के लिए, मतलब लेने के लिए जा रही है अभी। दातुल पया रही है देखो, ये दातुल पयाने वाला दगड़ी एक अलग से पत्थर होता है देखो, ये ऐसे
जो दातुला को वो बनाता है एकदम शार्प ना, ये और आप धूप भी चले गए दगड़ियों, बस अब कल को आएगी धूप सीधा। ये पूछो ये मैं दगड़ू हीरो, कुछ पूछो तुम हीरो भैया या हीरो नेतन भै ओ ए हो करे दक्षु हो गाना खान जगने है या इना कह कह के हो ऐसा चप्पल पहली रहो यो चप्पल में जाओ खाना झलो में उबाओ ना चप्पल हम खुटा कानून खान मानने ही पायो खान मानने ही पायो आ हा होई 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 ये आ आया ना मजा ये बुबू की टोपी बुबन का चिड़ू नहीं दगड़ी है देखो चमकाओ 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 ओहो भूतकार यो आहा धुत्या लाएगी रे गजब 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 यो वैसे लीला डाल में भटवे लाएगी यो एक से एक भूतकार वाह यो आहा देखो ललका तू भूतकार हैगी हम गांव 93 ले इधर आठी है यो बाप रे मैं कहले भर भार ला रहे थे गड़ी वैसे ही देखो आज को तू धताव लागे मतलब ये खपेट अपेट देखो यो आहा अभी आग जलाने के काम आएंगे पहाड़ी गीजर में पानी गर्म करने के लिए यो चांदनी ने कद बढ़िया आ रही देखो यो हो यो हाँ ये तुम कहते ला रहा था अच्छा चांदनी तुले अच्छा ये देखो अम्मा दगड़ियो दिए नतर देखो अम्मा तो लकड़ ला रहे हो कि आम आग जलाल का भेड़ यहाँ सगड़ में और आग तपेल का भेड़ देखो कदू भालियो क्या कनी हो चकोनू ही नगा नतरी नाक दिए कदू भैन नतर चंद देखो एल अब सुकून तो लहन हो अब घाम भुई आल का भेड़ एल बट हड़ कर दिने हूँ भुई आराम और सुकाल और फिर आम आग तपेल। तो अभी आ गया हूँ मैं अपने तिमंजले वाले छत पर यहाँ आए और धूप देखो वहाँ पीछे सकुए के डांडा पहुँच चुकी है। तो आज ना दगड़ियो आपके एक दो प्रश्नों के मेरे को उत्तर देने हैं तो मतलब आप लोगों के ना बहुत लोगों के कमेंट आते हैं मतलब सेम कमेंट आते हैं वो एक दो कमेंट जो सेम आते हैं बताता हूँ कौन से सेम आते करके। तो पहली बात तो कई लोगों को मेरा नाम नहीं पता है मतलब व्लॉग में तो कई बार मेरा नाम जिक्र हो जाता है या घर वाले नाम ले लेते हैं या कोई और नाम ले लेता है तो वैसे आपको मेरा नाम पता चल जाता होगा लेकिन वैसे शायद मैंने अपना नाम नहीं बताया होगा। तो मेरा नाम है विशाल रावत और मैं रहने वाला हूँ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का। मेरा गांव का नाम है रोयत, लिगुड़ता हमारी मेन मार्केट पड़ती है। बाकी अगर आप लिगुड़ता नहीं समझ पाओ तो दगड़ियों शेराघाट नाम तो आपने सुना ही होगा। ये अभी हाल ही फिलहाल में एक गाना भी आया है उसमें शेराघाट का जिक्र भी हुआ है कि शेरघाट क माछे खाली बेरी नाग के चाहा आहा शेरघाट क माछे खाली बेरी नाग क चाहा वाला ना। तो शेराघाट मतलब माझ भात है तो बहुत फेमस हुई दगड़ियों तभी वहाँ शेराघाट का जिक्र भी हुआ है वो गाने में वो सिंगर संदीप सोनू जी ने गा रखा है वो गाना। तो वही शेराघाट है दगड़ियों वो हमारे घर से पड़ता है 10 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। तो आप समझ सकते हो कि बहुत नज़दीक है मतलब गाड़ी से वैसे 20-25 मिनट का रास्ता है गाड़ी से बाकी 10 किलोमीटर दूर है शेराघाट हमारे घर से। तो ये है मेरा एड्रेस। बाकी अक्सर एक और कमेंट आता है लोगों का कि मतलब मेरे पापा जॉब क्या करते करके तो मेरे पापा जॉब करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी है मेरे पापा सचिव है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करते हैं मतलब टोटल मिला के मेरे पापा। तो ये भी बता दिया फिर मैंने। और हाँ अक्सर लोगों का एक और कमेंट आता है एक और मतलब जो सेम लोगों का आता है कमेंट कि मतलब मैं क्या करता हूँ मतलब स्कूल या कॉलेज। तो मैं भी फ़िलहाल 12th क्लास में हूँ दगड़ियों तो इस साल लास्ट है मेरा इंटर का। ये आ गई मम्मी चलो मम्मी भी आ गई घास से और यहाँ सगड़ में आग भी जला दी है वैशाली ने फिलहाल यहाँ नीचे सगड़ में जला रही वैशाली आग ये चलो अरे जो अपनी लाई हुई लकड़ियाँ है ना दगड़ी आज वैशाली की तो उसे लगा रही है तभी बोलो आज वैशाली इतनी जल्दी आग की जला रही करके हो जो वैशाली आग ला रहे उन्हें का लग रही हो वैशाली सूरज कहाँ पर आवेल मरत तो देर में उठी बेल
आ गए पापा, हेलो। ये पापा व्यस्त अभी कॉलिंग में है किसी के साथ। ये मम्मी खुश हो गई। पापा चुप रहे पूरा चक्कू से ले आ जाओ। और आज हमारे घर में बन रही थी गड़ियों गडेरी की सब्जी। ये देखिए डलिया में गडेरी रख रखी है, मतलब सारी नहीं काट रहे हैं, मतलब जितनी गडेरी हम खा सकेंगे आज उतनी काटेंगे। तो आज गड़ियों ना मैं उस शख्स से दोबारा से आपसे मिलाने जा रहा हूँ जिसके लिए वैशाली कुछ दिन पहले रोई थी। ये आ गई। हेलो। यो मिलो मिलो मिलो। हाँ हेलो वैशाली। हो ऊ कॉल तू कौन पहला कौन? तो प्राची ना सॉरी वैशाली प्राची की मौसी लगती है ना, और मैं मामा। हो बे हो मिल गई अंगाओ दगड़ियो। मौसी चली फिर मिल गई भयो आज। वैशाली प्राची हेलो मौसी मौसी दिशाल नंद होय दिशाल से दिशाल होइल भाई दिशाल से ज्यादा से तीन से। हां वैशाली दो तीन साल छोटी है प्राची से, लेकिन रिश्ता बड़ा होता है कहते हैं ना। तो पहले जब प्राची आई ना तो आते ही वैशाली ने मतलब पहले पहला बोल दिया था उससे, तो फिर प्राची ने बोला तो पहले वैशाली को पता नहीं था कि मतलब कौन किससे बोलेगा करके, लेकिन रिश्ता हमेशा बड़ा होता है। तो फिर बाद में प्राची ने बोल दिया वैशाली को पैलाक। तो हो गया फिर हर रोज़ की तरह आज भी हमारा दगड़ियो टी टाइम। और आज हमारे साथ यहाँ मालमो के ताऊ जी जुड़ चुके हैं चाय पीने के लिए। तो लाई और गडेरी मम्मी ने मिक्स करके यहाँ कुकर में रख दिया ये। मम्मी ने रोटियां बनाना भी शुरू कर दिया है, अभी शुरू कर रही है मम्मी रोटियां बनाना। एक दो रोटियां बना दी मम्मी ने।